आज अलीगढ़ नगर निगम के जलगत संस्थान के कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में इन्होंने मांग की है कि ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं। ये विगत वर्षों से इनको 6000 रुपये मिल रहे हैं, शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और इनके इस राशि में परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। नगर निगम के इन कर्मचारियों की मांग है कि इनका जल्द से जल्द वेतन बढ़ाया जाए जिससे कि इनको अपना दैनिक जीवन जीने में आसानी रह सके। और मैं उपसभापति होने के नाते से इनके ज्ञापन को मैंने स्वीकार किया है, इनकी मांग को, और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि इनकी इस मांग को मैं कार्यकारिणी और बोर्ड दोनों में ही इसको रखूँगा आने वाले समय में। अभी कार्यकारिणी तो हो चुकी है लेकिन अभी पहले बोर्ड है, बोर्ड में भी इनका ये सवाल रखा जाएगा और आगे कार्यकारिणी में भी रखा जाएगा और समस्त पार्षदों से के सहयोग के साथ इसको पास कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महापौर जी से, माननीय नगर आयुक्त जी से निवेदन किया जाएगा कि इनकी मांग को मानते हुए, क्योंकि ये नगर निगम का एक परिवार का हिस्सा हैं और हम पहले भी कहते आए हैं, नगर निगम अधिकारी कर्मचारी पार्षदगण और ठेकेदार सभी एक नगर निगम परिवार का हिस्सा हैं और परिवार के एक दूसरे के सुख दुख में हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग की भावना से काम भी करते हैं। तो जो इनको वेतन मिल रहा है, वाकई में काफ़ी लंबे समय से इनको काफ़ी कम वेतन मिल रहा है। हमारे नगर निगम में स्थायी कर्मचारी भी काम करते हैं, अस्थायी कर्मचारी और संविदा कर्मी भी काम करते हैं और ठेका बेस पे डेली कर्मचारी भी काम करते हैं। तो जो ठेका बेस पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सामान्य वेतन जो उनको मिल रहा है जनरल कर्मचारियों को, वो वाकई में कम है और यह इनकी मांग है कि इनका ये वेतन जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इनके ज्ञापन के माध्यम से बोर्ड और कार्यकारिणी में ये प्रश्न लगा के इनका वेतन जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। धन्यवाद।